नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। आबकारी विभाग व सिकंदराबाद पुलिस ने पुष्पांदाज में तस्करी को ले जाए जा रही शराब पकड़ी। पुष्पांदाज में कैंटर में कैबिन बनाकर उसके ऊपर कबाड़ डालकर ले जाए जा रही थी शराब। आबकारी टीम और पुलिस को देख कैंटर छोड़कर फरार हुए तस्कर। कैंटर से भारी मात्रा में चंडीगढ़ मार्का अंग्रेजी शराब और बियर बरामद। आरोपियों की अभी भी की जा रही है तलाश। आबकारी टीम व सिकंदराबाद पुलिस को मिली सफलता। मेरा नाम कांता प्रसाद है। कांता प्रसाद, किस पोस्ट पे हैं आप, कहाँ, किस पर तैनात हैं आप? जी मैं कांस्टेबल पोस्ट पर हूँ। मैं PRB 3690 पर तैनात हूँ। एक सवाल पर क्या सूचना मिली थी आपको? जो? जी मुझे इवेंट आया था कि एक जो है महाराष्ट्र नंबर की MH20DE5105 नंबर गाड़ी में जो है रोड पर खड़ी है, उसका टायर बस्ट हो गया है और उसमें अवैध शराब है। हम लोग मौके पर पहुँचकर हमने देखा तो गाड़ी संदिग्ध लगी। हम लोग तुरंत चौकी इंचार्ज को बताया, अपने उच्च अधिकारी को बताया, उसके बाद गाड़ी को जो है चौकी बिलसुरी मिलाया गया है। उसमें जो है देखा गया तो शराब मिली है। आपके साथ और कौन था साथ? जी मैं सर, ये मेरे चालक हैं, होमगार्ड हैं पिंटू, और मैं सर कॉन्स्टेबल कांता प्रसाद। सर आज एक शराब की गाड़ी पकड़ी गई है, क्या है पूरा मामला? हाँ, एक हम लोगों का लगातार पुलिस और आबकारी का लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है इंटर स्टेट ट्रैफिकिंग को रोकथाम के लिए। तो उसी दौरान आज ये गाड़ी मिली है। इसमें अवैध शराब है, चंडीगढ़ के ब्रांड का है। इसको अभी काउंट किया जा रहा है पूरी तरह से, इसको मार्केट जस्टिस प्रोसेस जारी है, पूरा इन्वेस्टिगेशन। सर कितनी अब तक पेटियां गिनती में कितनी आ चुकी है? अभी काउंटिंग चल रही है, फाइनली बताऊंगा। सर इसमें कोई गिरफ्तारी होगी आपको पता चल जाए? अभी आइए, इसको भी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं पूरा, जैसे प्रॉपर कार्रवाई होगी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।